अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क को दरपेश सियासी व माशी चैलेंजेस हुकूमत कैसे निपटेगी इस सैलाबी सूरत हाल के बाद, जहाँ पे खुराक की कमी है और लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकली एक बड़ा चैलेंज है। उसके साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि वबाई अमराज जो हैं वो भी फूट रही हैं। इस पे हुकूमत को प्लान करना होगा और ख़ास तौर पे लोगों को बीमारियों से बचाना होगा। एक नया चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, लेकिन हुकूमत किसी भी लेवल पे इस तरह के इकदाम करती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। वो इस वक्त भी सियासी इंतकाम और उन इश्यूज में इन्वॉल्व है। पंजाब में उन्होंने अब डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद का फ़ैसला किया है। तो जहाँ पे इस वक्त मुल्क को सैलाबी सूरत हाल से आवाम को उनकी जानो माल की हिफाजत करना था, वहाँ पे इस वक्त हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। दूसरी तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि मईशत की बहाली का मुकम्मल रोड मैप तैयार करेंगे और नाहल टोले ने 3.5 बरस की मेहनत हफ्तों में बर्बाद कर दी। और देखना यह है कि अब अगले चंद हफ्ते बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और डील की बातें भी हो रही हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल चूंकि खान साहब बड़े गुस्से में भी नज़र आए और उनका बड़ा ज़बरदस्त चकवाल की सरजमीन पे जलसा था, और पिछले कई महीनों से मुसलसल तगड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रहा है। और अब मामलात कुछ बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं, डायलॉग्स की बातें भी हो रही हैं। इनमें पसे पर्दा क्या हकीकत है और मामलात कहाँ तक पहुँचे, इन पर भी बात करेंगे। खान साहब के पास इन मौजूदा हालात में क्या ऑप्शंस हैं, इलेक्शंस चूँकि फौरी तौर पे मुतवक्को नहीं है और इलेक्शन 2023 में ही होंगे, इस पे क्या खान साहब राज़ी हो गए हैं। और साथ ही साथ चूँकि हल वो ये बता रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो माशी अदम इस्तेकाम का बायस बनता है, और ज़रूरी है कि एक IMF के बाद से कर्ज़ा मंजूर होने के बाद भी मौजूदा जो हुकूमत है वो इकॉनमी को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे गैर यकीनी की सूरत हाल है और इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे इस तरह की सूरत हाल में। तो खान साहब का जो ये बुनियादी मुतालबा है वो बिल्कुल वैलिड है, और देखना यह है कि हुकूमत इसको किस तरह कितनी संजीदगी से लेती है। मरियन नवाज़ कहती हैं कि इमरान खान इदारों पर दबाव डालते हैं, धमकियाँ हैं तो सबूत सामने लेकर आए हैं। और मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं जी इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त PDM के वो सरबराह भी हैं, लेकिन खुद PDM जो है वो इस वक्त बुहरान का शिकार है और उनको समझ नहीं आ रही कि खान साहब जिस तरह प्लान कर रहे हैं, जिस तरह के कार्ड्स उन्होंने प्ले किए वो खुद PDM के लिए बड़े सरप्राइज़ थे। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरमा गजाला सैफ़ी साहिबा, MLA सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। गजाला सैफ़ी साहिबा, खुश आमदी कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह शुक्रिया। देखती हैं गजाला सैफ़ी साहिबा, चूँकि मुखालफीन कह रहे हैं कि खान साहब की सियासत ख़त्म हो रही है, हकायक ये हैं कि खान साहब बड़ी बुर्दबारी के साथ और बड़े नपे तुले अंदाज़ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एग्रेशंस उनकी हमें जलसों में भी नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ वो अपनी मकबूलियत के इस वक्त अरूज पे हैं, और साथ ही साथ वो ताकतवर हलकों के साथ जो बातचीत चल रही है, लग ये रहा है कि चूंकि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त, पंजाब में आपकी हुकूमत है, KP में आपकी हुकूमत है, GB और कश्मीर में आपकी हुकूमत है, और दूसरा अवामी सतह पर देखें तो मकबूलियत आपके पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अपने मुतालबात रखे, और वो मुतालबात पूरे होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लगता है आपको कि कोई बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं? सबसे बड़ी डेवलपमेंट, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जी। देखिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही है कि अभी इनको 10 दिन भी नहीं गुजरे थे हुकूमत से झपट्टा मारते हुए कि इनको पता चल गया और एहसास हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम में कितनी ज्यादा मकबूलियत है, और जो ये दुगदुगी बजा रहे थे पिछले 3 साल से लॉन्ग मार्च की, वो एक इशारे पे हो सकता है, एक इशारे पे जिससे इतराज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हमारे चेयरमैन इमरान खान, हमारे लीडर इमरान खान को नहीं चाहते एनाकी हो, वो नहीं चाहते झगड़ा हो, नहीं चाहते कि गरीब लोग जो हैं वो तसादुम का शिकार हो, इसलिए
वो समझते हैं कि इसका हल, अगर ये इलेक्शंस नहीं कराना चाह रहे, किसी किस्म के रिफॉर्म्स भी नहीं लेके आ पा रहे हैं, जी, किसी तरह से इन्होंने अवाम को कोई रिलीफ भी नहीं दे पाए हैं। और उसका सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत तकरीर ये है कि मैं अभी कल सिंध से होके आई हूँ, इंटीरियर सिंध से, और मैं नेहर तक गई दादू से अंदर जाके, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल एक शहर खामोशा बना हुआ है, पानी ही पानी है, और सबके घर पानी के नीचे आ चुके हैं। बिल्कुल लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं रही। इस वक्त अपने इनके जो मास्टर्स हैं पीपल्स पार्टी, वो किधर रहते हैं? जी, इनकी एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है वहां पे? वो लोग भी जो कि इनके अपने थे, उन तक ने गिला ये किया कि हमारे लोग नजर नहीं आ रहे। इतना मुश्किल काम है कि आप वहां पहुंच जाएं और अपने 10-15-20 लाख रुपए का खाना ले जाएं, गरीबों को खिलाएं, क्योंकि इस वक्त फूड की सिक्योरिटी की, इस वक्त बीमारियों के इलाज की, दवाओं की इतनी ज्यादा जरूरत है, और ये बिल्कुल आपके अपने मुल्क में, आपके अपने हिस्से के अंदर, खत्ते में हो रहा है। और मैं ये इतनी मायूस होके आई हूँ कि लोग बेचारे कतार दर कतार इंतजार कर रहे हैं राशनों का, और कोई गुजारा हुकूमत सैफी साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 15 साल से मुसलसल सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और आपको भी पता है, हमें भी पता है, 3 महीने पहले ये बता दिया गया था कि सैलाबी सूरत हाल होगी, चूँकि बलूचिस्तान में सैलाब आ रहा था, तो इकदाम क्यों नहीं किए गए? इन्हीं की हुकूमत है, यहाँ पे तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि कोई दूसरी हुकूमत है, इकदाम नहीं हो सकते थे। और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सीएम जा रहे हैं, उनके सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उनके सूबाई वुजरा हैं उनके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पानी खैरपुर की जो आज के विजुअल्स आ रहे हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि अभी तक 10-10 फीट पानी खड़ा है। मैं होके आई हूँ, वहाँ बोट्स चल रही है, नेवी जी नेवी रेस्क्यू कर रही है, बहुत सारे लोग अपने उस पानी में डूबे हुए शहर के गांव के किनारों पे बैठे हुए हैं। वो अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि अगर ये कुछ दिन और पानी खड़ा रहा, कुछ महीने और, तो शायद उनको कोई जमीन भी उनके नाम ना रह जाए और उन्हें घर भी नहीं मिलेगा। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया से एड मांगना जरूरी है, जी मगर आपके अपने हाथ पैर हिलाने भी जरूरी हैं। क्यों नहीं इनके नजर पास आ कम रही पैसे हैं गजारा सैफी चार साहिबा, सौ ये अगर इनके साहिबा पास अपने जो पैसे रखे हुए हैं, वो अपने अपने हलके में हर सूबाई वजीर और एमपीए अगर खर्च करना शुरू कर दे, तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। अभी आज नया इन्होंने शुरू किया है कि जी हमारे तो हैकर्स ने पैसे उड़ा लिए। मतलब ये कौन सी नई कहानी पेश कर रहे हैं? अभी ये क्या बिल्कुल ही डिस्ट्रक्ट हो गए सैलाबी इलाकों की मदद से? क्या मतलब वहां पर नेवी मौजूद है, पुलिस अपना काम कर रही है? मैं तो कहती हूँ ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं, ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सिर्फ हमें सामान लेके वहां पहुंचना है सबने, और वहां पर लोगों की मदद करनी है, खाने का इंतजाम करना है। भूखा आप कैसे सो सकते हैं अच्छा खाना खा के, अगर आपके भाई बहन पानियों के अंदर सांपों के डसे जाने के बाद खाने जी को ना हो, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं वहां पर डायरिया से और वाटर बॉर्न डिजीजेस से। देखिए, ये सियासत की बातें तो बाद में होंगी, इस वक्त आप खुद इंसानियत की बात कर लें। इस वक्त आप अपने ही शहर जो आपकी है वो कटी हुई है, खून बह रहा है, आपके अपने बच्चे रो रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दुआ का अच्छा खौफ करें। गजाला सैफी साहब, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इमदादी सरगर्मियां हैं और ख़ास तौर पे जो फंड्स हैं, वो भी एक बड़ा इश्यूज है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, उनकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, उसमें शफाफियत कैसे होगी, क्योंकि इससे पहले कोविड-19 के हवाले से जो फंड्स मिले थे, वो भी आपने देखा, यहाँ पे राशन भी रातों रात तकसीम हो गया था, किसी को पता ही नहीं चला था, और इमदाद जो आई थी जो वो भी कहाँ गई, आज तक नहीं पता चला। तो कैसे लोगों तक मदद पहुँचेगी, उसके हवाले से भी कोई आप चूँकि विजिट करके आई हैं खुद भी, आपको लग रहा है कि सही मानों में सिंध हुकूमत जो है वो लोगों तक पहुंच रही है और इमदाद उन तक पहुंच रही है, आम आवाम जो मुतासिर हुए? देखिए, बिल्कुल उन तक इमदाद नहीं पहुंच रही। ये लोग डीसी लेवल पे सामान पहुंचा रहे हैं, वो अपने घरों में लेके बैठे हुए हैं, लोगों तक वो नहीं पहुंचा रहे, और इंतहाई शर्म का मकाम है कि भूखे लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, जी मतलब उनको दफनाने तक की जगह नहीं है, पानी ही पानी हर तरफ। और जो लोग टेंट में बैठे हैं उनकी जुबो हाली, अगर कोई चला जाए तो ठीक मेरे ख्याल में वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि
एक आपका दिल वहीं रह गया है अगर आप वहां चक्कर लगा लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपके आप। पास, हमारे पास फौज भी मौजूद है, हमारे पास रेंजर्स हैं, हमारे पास पुलिस है, उनको इस वक्त बजाय गाड़ियों में भर के और प्रोटोकॉल करें, उनको लेके जाएं, उनसे मदद लें, और वो करने को तैयार हैं क्योंकि वो भी उसी खत्ते के लोग हैं, जी उनके दिल में भी दर्द है अपने लोगों के लिए, बिल्कुल ठीक और आपने इस वक्त जी उनके खिलाफ जो है वो पब्लिक हो गई, वो लोग जो कि आटे की एक बोरी को तरस रहे हैं। देखिए, उनको गोश्त नहीं चाहिए, उनको दालें भी नहीं चाहिए, वो तेल भी नहीं मांग रहे, उनको सिर्फ आटा भी मिल जाए तो तो वो बहुत ज़्यादा, सवाल ही क्या उन्होंने इस उठाएंगे। वक्त अपने बच्चों का पेट पालना है, उनकी भूख मिटानी है। गुरबत सिंध में पहले ही बहुत ज़्यादा थी। मतलब एंजेलिना जोली आ गई अब्बा, और आपकी जो पूरी दुनिया की एड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक्टिव हो रही हैं, मगर हमारे अपने सूबे के लोग जो हैं वो कहाँ सो रहे हैं, लोग आवाजें लगा रहे हैं कि कहाँ हो तुम लोग। बिल्कुल ठीक कह रही देखिए, हैं आप। ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस वक्त परेशान हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बहन हूँ, मैं भी एक फैमिली रखती हूँ, और अगर आप खुदा ना करे मेरे घर में 10 10 20 20 फुट पानी ऊपर तक आ जाए और मुझे छत पे बैठना पड़े और कोई आसरा ना हो, दो बोट्स चल रही हो जो कि शायद 3 दिन बाद आप तक कुछ खाने की रसाई हो सके, तो मतलब सांप डस रहे हैं लोग, बिल्कुल ठीक कह रही हैं गजारा ये सैफी साहब, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ से चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं इंतहाई अजियतनाक हैं और परेशानी की बात का बाइस बन रही हैं ये सारी चीज़ें। अब जिस तरह आप बता रही हैं, ज़ाहिर आप वहाँ ऑब्जर्व करके आई हैं, हमारी जो मीडिया वहाँ पे मौजूद है वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है, वो खुद से जो एफर्ट्स करनी थी वो नहीं कर रहे, और एक जो और कट्स चीज लगाने थे। देखिए जी, मैं कहना चाहती हूँ, हाँ, कट लगा के इन्होंने जो जो जहाँ कट लगा के हुआ वो तो हुआ, नेचुरल डिजास्टर अपनी जगह है, मगर जो इन्होंने खुद भी डिजास्टर जो क्रिएट डैमेज किया, कंट्रोल किया फिजिकल जा सकता था डिजास्टर वो भी नहीं किया इन्होंने वो भी नहीं जानबूझ के। किया। दूसरी चीज ये है कि जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं वो अब इनको कोसना शुरू हो गए हैं, अगर इनकी अपेयरेंस ना हुई, अगर इनकी शक्ल नजर ना आई, तो लोग ये मतलब ये फिर वोट और इलेक्शन और उससे अलग बात निकल ठीक आएगी है, कोई, बिल्कुल ठीक कह रही तो है गजारा उससे सैफी साहब। बचा लें लोगों ये को। चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, बड़ा सख्त रद्द अमल आ रहा है। और पहली दफ़ा हमने देखा कि बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े जो इनके सूबाई वुजरा हैं और सीएम हैं, वो खुद जा रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के सामने, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी सिंध की तारीख में हमने पहली दफ़ा देखा। दूसरा गजारा सैफी साहब, चूंकि वक्त कम है, क्या कहेंगी मौलाना फजल रहमान साहब? कह रहे हैं खान साहब की सियासत खत्म हो चुकी है। मरियम बीबी कह रही हैं इमरान खान इदारों पर दबाव डालते हैं, धमकियों के सबूत हैं तो सामने लाएं। देखिए, वो खातून जिनकी अपनी जबान और बयान में हर दूसरी तकरीर में इख्तलाफ हो और वो जो है किसी तरह से भी इस काबिल ना हो कि उनकी उस बात को सुना भी जाए, तो मेरे ख्याल में अब लोग समझ चुके हैं इनका किरदार भी, इनकी जबान और इनकी बयान को रद्द कर चुके हैं, तो अब वो जो भी कह रही हैं, और मौलाना फजलुर रहमान तो बिल्कुल निकाले गए हैं, कोशिश करते रहते हैं बेचारे, इस वक्त वो अपनी वो पीले कपड़ों वाली फोर्स लेकर आए ना और मदद कराएं गरीबों की। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो हैं वो इस वक्त हमारे सूबे में हैं और हर सूबे के लोगों को इस सूबे ने वेलकम किया है बिल्कुल इस गजारा सूबे सिर्फ के से, वैसे जो, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया कि वो लोग जो लॉन्ग मार्च के लिए इन्होंने पूरी फोर्स तैयार की हुई थी, वो फोर्स हमें कहीं नजर नहीं आई लोगों को सैलाब ज्यादा इलाकों से रेस्क्यू करते हुए। उनका काम है इस वक्त ये कि वो एटलीस्ट जाके वहां पे खाने बांट दें, वहां पे जो लोग डूब रहे हैं उनकी मदद कर दें, जो बच्चे इस वक्त हौलनाक इस वक्त तबाही का शिकार हैं उनके लिए कुछ आसानियां पैदा कर दें, मतलब बजाय इसके कि कोई आसानी पैदा हो, यहाँ तो मोहनजोदारो से भी एक कदीम जगह पे हम होकर आए जहाँ ना नालियां हैं, जहाँ ना पानी की सप्लाई है, ना जहाँ बिजली है ना गैस है, इसका इंतजार है कि पानी वापस हटेगा तो फिर वही जंगल में बेचारे वो गरीब लोग अपने हाथ और पैर चलाकर कुदाल चलाकर कोई फसलें बो देंगे, केला बिल्कुल खत्म हो चुका, जी कपास बिल्कुल उड़ चुकी, गन्ना बिल्कुल नहीं है, खजूर के दरख्त गिर गए हैं, बुरी तरह मतलब तो तबाही मची है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जब अगले अभी तो ये लोग अभी उसमें शॉक में हैं, मगर जब पता चलेगा कहत साली करीब खड़ी हुई है, खाने को रोटी जब नहीं बिल्कुल असल में नहीं होगी, कि काश्त होते होते और मिलते मिलते अनदर 6 मंथ की स्टोरी है मे बी मोर, तो वो जो गैप आएगा उसको कौन कवर करेगा, उसको कवर करना जरूरी है,
गोदामों में बंद करके ताले और कर ये कह देना कि जी हैकर्स ने आके पैसे लूट लिए, इंतहाई शर्म का मकाम है ये बात कहना। बहुत शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं। अगर से सही आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, ये सिंध हुकूमत माजी में करती रही और इस वक्त जो गजाला सैफी साहब जिस तरह इशारा कर रही थी, हुकूमत को संजीदगी से और ख़ासतौर पे वो लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं, पानी 10-10 फीट खड़ा है, कश्तियाँ चल रही हैं और लोग बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, ये वक्त है सियासत से बाहर निकल कर आवाम की खिदमत की जाए और सही मानों में उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जाए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।